उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और बाबा केदार के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए दिन रात तैनात है। सोमवार को एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मित्र पुलिस की मिसाल पेश की है। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं संवाद 365। सोमवार को बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के लालगंज से पहुंचे वृद्ध दंपति किशोर सिंह मिश्रा और कृष्णा मिश्रा गौरीकुंड में भारी भीड़ के बीच एक दूसरे से बिछड़ गए, जिसके बाद कृष्णा मिश्रा अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगी। बुजुर्ग महिला को परेशान देख पुलिस कर्मियों ने अपर पुलिस अधीक्षक को उनकी परेशानी बताई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए वृद्ध के परिजनों के संबंध में जानकारी जुटाई। महिला कांस्टेबल रुचि और होमगार्ड ओम प्रकाश ने पूरे गौरीकुंड मार्ग में वृद्ध को ढूंढने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किए और कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों कर्मियों ने वृद्ध को सकुशल ढूंढ लिया और दोनों बिछड़े दंपतियों को मिला दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने पाया कि वृद्ध दंपति के पास ना तो कुछ खाने पीने के, ना ही वापस घर जाने के लिए पैसे थे, जिस पर महिला कांस्टेबल रुचि और होमगार्ड ओम प्रकाश ने दोनों को खाना खिलाने के साथ साथ घर वापस जाने के लिए उन्हें पैसे भी दिए। अब खबर वायरल हुई तो पुलिस कर्मियों के इस व्यवहार की हर कोई तारीफ कर रहा है। ये खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बाकी की खबरों के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे यह खबर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।